श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सब जानते हैं कि अभी नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और आज 18 अक्टूबर बुधवार को नवरात्रि का चौथा दिन है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नवरात्रि के चौथे दिन करने के लिए अचूक उपाय बताए हैं, जिनको करने से आपकी आयु लंबी होगी। अगर आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है तो उसमें आ रही सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी तथा आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब इसी देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड की रचना करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति आती है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में माँ के इस रूप का तेज व्याप्त है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नवरात्रि के चौथे दिन करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं, जिनको करने से आपकी आयु लंबी होगी। अगर किसी भी कार्य में कोई भी बाधा आ रही है तो सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी और भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। गुरुजी ने पहला उपाय बताया है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। माँ के सामने आसन बिछाकर बैठें। इसके बाद माँ को नारियल, लाल फूल और मालपुए का भोग लगाएं तथा इसके बाद माँ के सामने घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें। आरती करने के बाद लंबी आयु करने के लिए देवी माँ से सच्चे मन से प्रार्थना करें। गुरुजी ने दूसरे उपाय के बारे में बताया है कि यह उपाय आपको रात को करना है। इसके लिए आपको रात में पीपल के पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी लानी है और उसे अपने घर में, जहां आपने माता की स्थापना की है, वहां रखना है। उसके बाद माता के सामने आसन बिछाकर बैठना है और जो मिट्टी आप लाए थे उस पर दूध, घी, दही, चावल और रोली चढ़ानी है और उसके आगे घी का दीपक जलाना है। फिर अगले दिन इसी मिट्टी को वापस पीपल के पेड़ के नीचे डालकर आना है। ऐसा करने से गुरुजी ने बताया है कि अगर आपके किसी भी कार्य को करने में कोई भी बाधा आ रही है तो वह समाप्त हो जाएगी और आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। गुरुजी ने तीसरे उपाय के बारे में बताया है कि अगर आपकी किस्मत और भाग्य अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपसे रूठ गए हैं, तो आप यह सरल सा उपाय कर सकते हैं, जिसको करने से आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी और आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। तो जो असंभव सा कार्य था आपके लिए, वह भी आसान हो जाएगा। यह उपाय आपको रात में करना है। इस उपाय के लिए आपको एक पान का पत्ता और एक लौंग लेनी है। आपको साबुत लौंग लेनी है। उसके ऊपर का फूल उतरा हुआ नहीं होना चाहिए। सामग्री लेने के बाद माता के सामने आसन बिछाकर बैठना है और उसके बाद
एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद माँ के सामने पान का पत्ता और उसके ऊपर लौंग रखनी है। उसके बाद माँ के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाएं और 21 बार ओम ह्रीम कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। उस पान के पत्ते और लौंग को अपने दाहिने हाथ में रखें और अपनी सारी मनोकामनाएं बोल दें। फिर उसके बाद जो घी का दीपक आपने जलाया है उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिशा की तरफ अपना हाथ घुमाएं। ऐसा करने के बाद उस पान के पत्ते और लौंग को वहीं माता के सामने रख दें। रात भर उस पान के पत्ते और लौंग को वैसे ही माँ के सामने रखे रहने दें। उसके बाद सुबह पूजा करने के बाद उस पान के पत्ते और लौंग को बहते पानी में बहा दें। अगर आपके आसपास कोई बहती नदी नहीं है तो यह पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। यह उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसे ही लाभदायक और महत्वपूर्ण उपाय और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।